गाइस सर मैं सोच रहे हैं मैं ये लोग ये सामने हमारी इंटरन की एंट्री दिखी गई ये पार्टी है। अब हम इसके अंदर जाइए और जो सामने काउंटर था वहाँ से टिकट लेते हैं तो बच्चों की टिकट फ्री है और बड़े लोगों की टिकट छोटी होती है तो किड्स को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि किड्स को तो हम जा रहे हैं अंदर और थोड़ा सा ना रेनोवेशन पे है ये बंदा है थोड़ा भी है तो इसलिए इसको यहाँ से बंद किया हुआ है। हम थोड़ा सा घूम के वापस इसके अंदर चले गए हैं। मौसम अच्छा था तो नाइस चलते साइड से निकल के और हम चले जाएंगे इसके अंदर। गुंबद है ये भी एक एरिया है हमारी स्कूल का इसमें हम बाद में जाएंगे पहले हम जाएंगे मेन वाला जो बड़ा रेड कलर का है ना ताजमहल जैसा ये हमारी स्कूल है यहाँ पे ताजमहल का ये रेड कलर का है ये उससे छोटा भी है तो हम वहाँ जाने वाले हैं। करीब पूरे मुझे कर रहा है दोनों यहाँ पे सारी डिटेल्स है ना पत्थरों पर लिखी हुई है एंट्री करने के बाद यहाँ से ना एक एंट्री यहाँ से होती है और ये उन्होंने पूरा जो है उसको एक मीडिया का काम बना रखा है आप देख सकते हैं ये बहुत खुशी है किसान उसके पास है ये पूरा इन्होंने इसको छोटे मॉडल डिज़ाइन करके रखा है। और ये आ गए हम हमारे टाउन सामने दिख रहा है बहुत सुंदर है। अब हम जाते हैं इसके अंदर कि सारा इसके बारे में लिखा हुआ है कि कब हुमायूं टॉम्ब बना था कैसे बना था इसके टाइम मतलब कितना ऊंचा है कितना बड़ा है सब लिखा हुआ है। और ये सामने वाटर बॉडी भी है इसके ये स्विमिंग पूल नहीं एक है जिसमें नहा नहीं सकते हैं इसके साइड से जाना नहीं तो गिर भी सकते हैं इसमें। तो फिर हम चलते गए और हुमायूं टॉम्ब पहुँच गए और देखिए बहुत ही सुंदर जगह थी बहुत सारे फोटोज लिए हमारे यहाँ पे और फोटोज भी अच्छे आए सारे। तो गाइस आप भी अपने मम्मी पापा के साथ ना जा सकते हो यहाँ पे वीकेंड्स पे और इसमें ज़्यादा जब हम गए थे जब भी संडे था लेकिन कोई खास भीड़ नहीं थी। सैटरडे को गए थे शायद सैटरडे को गए थे लेकिन ज़्यादा कोई खास भीड़ नहीं थी इसमें मकबरे इधर हम गए देखिए आप पूरा मतलब यहाँ पे दवा रखा है लोगों को हमारे मेरी बुआ जी थे बेटा मर गए थे वो राजा थे महाराजा थे ये हम इसकी फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ गए हैं सीढ़ियों से आके किले बना यहाँ पे सारे लोगों की मकबरे बनाए हैं उन्होंने टॉम बनाया है कब्रे कब्र आप बोल सकते हैं। और ये इसका अंदर से ऐसा दिखते हैं हमारे टॉम इसको ऊपर जाने की इसकी सीढ़ियाँ तो बंद हैं हम सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक ही देख सकते हैं इसको अंदर जाते और ये अंदर इसके मकबरे हैं कब्रे बनाई हुई हैं कबीर यहाँ पे भी मस्ती ही कर रहा है। और फिर हम गए इसके बाहर एक नीचे उतर के एक पार्क था बहुत ही सुंदर पार्क था हमने वहाँ पे बहुत मज़े किए मैं बहुत घूमा खेला मैंने यहाँ पे फ्लिप्स भी की आप उसकी वीडियो शॉर्ट में देख सकते हैं। तो जैसे ही हम बाहर निकलते हैं क्योंकि हमारी बॉटल्स में पानी ख़त्म हो गया था तो जैसे ही आप थोड़ा सा बाहर निकलोगे ना फर्स्ट एंट्री से वहाँ पे टॉयलेट्स भी हैं और पीने का पानी भी है इंडिया के अभी हम नीला गुंबद जो हमने शुरू में देखा था ना फिर हमने ये देखा फिर हम यहाँ पे घूमे हमने यहाँ पे थोड़ी मस्ती की। चलो चलो फिर हम थक गए थे तो हम इंडिया गेट की तरफ गए लेकिन उससे पहले हम हमको बहुत भूख लग गई थी फिर हम गए हल्दीराम में हमने खाना खाया। हल्दीराम बिल्कुल इंडिया गेट के बहुत क्लोजेस्ट है बहुत नज़दीक है और फिर हम यहाँ गए फिर हमने यहाँ पर खाना खाया और उसके बाद हम चले गए इंडिया गेट। इंडिया गेट में हम नेशनल वॉर मेमोरियल है इंडिया गेट उस वहाँ पर गए वहाँ पर हमारे देश के सभी शहीदों की जो भी सोल्जर हमारे लिए शहीद हुए वहाँ पे सबके नाम लिखे हुए हैं और डेली शाम को 7 बजे वहाँ पे उनको एक श्रद्धांजलि दी जाती है। ये क्या है मम्मी ने आपको बताया तो आज भी एक ऐसा प्रोग्राम था तो हमने वेट किया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि यहाँ पे इस जगह पे जो दिख रही है जगह पे यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जाती है तो हमारे सोल्जर्स को श्रद्धांजलि कैसे देते हैं मैं देखना चाहता था। हम रुके
हमने यहाँ पे आधा घंटा वेट भी किया ताकि हम उसको देख सके, फिर क्योंकि उसमें टाइम था आधे घंटे में, तो हमने सोचा हम थोड़ा सा और घूमें इस जगह को और एक्सप्लोर करें। और मैं मुझे इस जगह बहुत अच्छी लगी इंडिया गेट पे, बहुत खुला खुला। और ये जो आप रेड कलर के जो स्टोन्स देख रहे हैं, दीवारें देख रहे हैं, वो इन सब पे ना हमारे देश के जो सोल्जर्स हैं जो वॉर में हम लड़ते लड़ते शहीद हो गए, जिन्होंने हमको बचाया, हमारी रक्षा की, उनके सबके नाम लिखे हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे आके उनको श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं। बहुत सारे लोग थे जो अपने अपने लोगों को फ्लावर्स वगैरह उनके नाम पे चढ़ा रहे थे। और ये बहुत बड़ा एरिया है, तो फिर मैंने देखा कि इतने लोग हमारे देश के लिए आज तक शहीद हुए। फिर मैं तो फिर बस वो श्रद्धांजलि 7 बजे वाली जो थी, वो 7 o'clock वाली वो शुरू होने वाली थी, तो हम सब चले गए उसको देखने के लिए। और फिर 7 बजे एंट्री हुई, सब लोगों को खड़े रह के सब लोगों ने देखा कैसे श्रद्धांजलि देते हैं। मुझे ये जो आज पूरे दिन का ये जो प्रोग्राम था बहुत अच्छा लगा। बहुत खाया। तो अभी हम जा रहे हैं घर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।